कि लोहिया जहां हमने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 साल में जो सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है, किसानों को मार रही है, दलित मार रही है, मुसलमान मार रही है, आरक्षण की समीक्षा क्या खत्म कर रही है, और जितने संस्थान है सार्वजनिक संस्थान जिनको बनाने में इनका रत्ती भर योगदान नहीं था, उन संस्थानों को खत्म कर रही है। वैसे स्थिति में आपने सड़क को सुनसान नहीं होने दिया है, इसलिए आप सबको बधाई और विशेष रूप से छात्रों को बधाई। अभी जो सरकार है केंद्र में और कई सूबों में सरकार है, उनको शायद लग रहा है ना कि मनु का राज आ गया है। 4 साल से लगातार आतंक का राज, पत्रकार मारे जा रहे हैं, शिक्षकों के जवान पर ताले लगाने की कोशिश, छात्रों को परेशान करने की कोशिश। कौन ऐसा वर्ग है इस देश का, सिर्फ अडानी अंबानी और नीरव को छोड़कर, जो इनसे खुश है? कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश है साथियों। इसलिए मोदी साहब और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं, वो आकर देख सकते हैं कि जो आक्रोश है ये आक्रोश सिर्फ शिक्षा को लेकर नहीं, तो देश के तमाम जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी मसले है, उसको एड्रेस करने में वर्तमान केंद्र सरकार फेल रही है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि अगर दिल में सुराख है तो सर दर्द का इलाज नहीं करना चाहिए। 19 सामने आ रहा है, ये सीधा और सीधा राजनीतिक मसला है। 19 आ रहा है इस सरकार को, ये इनके इनके पूरे वर्ल्ड व्यू में न शिक्षा है न रोजगार है, इनके वर्ल्ड व्यू में है सिर्फ गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, हिंदू मुस्लिम है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ऐसी सरकार का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि इस पार्लियामेंट में सरकार को चलाए। इसलिए आप सबसे इस मन से अपील कर रहे हैं कि 2019 सामने आ रहा है, इस सरकार को, इस सांप्रदायिक ही नहीं, ये जातिवादी भी है, ये शिक्षा विरोधी भी है, ये रोजगार विरोधी भी है, इस सरकार को हराया साथियों। एक लाइन कह के मैं आपको ये अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, इस सरकार में भारत का संविधान खतरे में है। इसलिए सरकार को भगाई है,